हेलो एवरीवन। और देखिए क्लास, मेरे ख्याल से ये आपको 6 to 8 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम लोग इसको दो मेथड से बनाएंगे। एक तो वन वेरिएबल में बनाएंगे और दूसरा लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। तो पहले हम लोग वन वेरिएबल में बनाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, विष्णु ने पूछा है। क्वेश्चन है कि इन ए टू डिजिट नंबर द डिजिट एट टेंस प्लेस इज डबल द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड इज 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्वेश्चन सीधा सीधे कहता है कि एक टू डिजिट का नंबर है, उस टू डिजिट के नंबर में जो डिजिट जो टेंस प्लेस पे है वो जो है यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसका डबल है। यदि आप सिंगल वेरिएबल में बात करेंगे तो यहाँ पर टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो डिपेंड कर रहा है यूनिट प्लेस के डिजिट पर, इसलिए आपको यहाँ पे यूनिट प्लेस का डिजिट को मानकर चलना होगा। उसके बाद कहता है कि जो नंबर, यदि डिजिट को आप चेंज इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब यूनिट जो है आपका यूनिट को टेंस में और टेंस को यूनिट में कर दिया जाए, तो जो नया नंबर बनता है वो पहले का जो नंबर था उससे 27 कम है, तो जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा। इसके लिए दो चीज़ आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए जो बार बार मैं हर एक में बताता हूँ, चूंकि मैं मानकर चलता हूँ कि आप फर्स्ट बार देख रहे हैं या फिर नहीं जानते हैं। देखिए, यदि कोई एक टू डिजिट नंबर है वो 10 से लेकर 99 के बीच में होगा, कोई भी नंबर आप ले लेंगे। मान लिया यदि हम 35 लेते हैं, तो ये जो है यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है। अभी यदि इसको हम लोग ऐसा कर लें, सपोज करिए 42 ले लेते हैं, तो क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से कहना है कि ये जो यूनिट डिजिट और ये टेंस डिजिट, ये टेंस का जो डिजिट है वो इसका डबल है, 2 का डबल 4 है। अब इंटरचेंज कर देने पर ये नंबर क्या बनता है, 24 बनता है, तो वो दूसरा चीज़ बनेगा। इसमें जो माइनस करेंगे वो डिफरेंस कहलाएगा हमारा। यहाँ पर जो है, जब आप ऐसे तो बना सकते हैं, लेकिन 42 यदि है तो वास्तव में ये क्या है, ये वास्तव में यदि देखा जाए तो 40+2 के फॉर्म में है, और ये आपको 10 × 4 मतलब 10 × 10 डिजिट + यूनिट डिजिट्स। इतना बनाने का मेरा मकसद ये है, क्योंकि यदि आप एक्स लेते हैं और सपोज करिए यहाँ पे आपका 2x है, तो ये नंबर ऐसा आप 2x + x नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये नंबर 2x + x होगा। ये नंबर जो होगा, यदि आपका यूनिट डिजिट सपोज करिए एक्स है और टेंस डिजिट में 2x है, तो ये जो नंबर इससे मिलकर बनेगा वो होगा 10 × 2x + x। यदि आप इसको इंटरचेंज कर देंगे तो x इधर आ जाएगा, ये हो गया 2x, तब उस स्थिति में जो नंबर आपको बनेगा ये होगा आपका 10 × x + 2x। ये दोनों हम लोग यहाँ पे जान गए। अब हम लोग फाइनली इसको आंसर को बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन को जो आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज एक्स। क्योंकि देखिए जो टेंस प्लेस पे है वो यूनिट प्लेस पर डिपेंड करता है, तो यदि ये एक्स होगा, देयरफॉर होगा द डिजिट एट द टेंस प्लेस इक्वल टू 2x, डबल है तो 2x हो गया। तो नंबर जो होगा वो क्या होगा, नंबर होगा 10 × this + this, दैट इज ये हो गया 21x, जो पहले हमने बता दिया था। व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, देखिए पहले इस फॉर्म में नंबर था, अब जब इंटरचेंज हो गया तो x इधर आ गया, 2x इधर हो गया, तब क्या हो गया, न्यू नंबर जो होगा 10 × this number, दैट इज 10 × x + 2x, दैट इज 12x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, वो सीधे सीधे वो क्वेश्चन कहता है कि जो बाद का जो नंबर है, ये इंटरचेंज करने के बाद जो ये नंबर आया, ये पहले के नंबर से 27 लेस है। मतलब इस नंबर में से इस नंबर को जब आप माइनस करेंगे तो 27 बचना चाहिए, दैट इज 21x − 12x = 27। इसको यदि आप माइनस करेंगे तो 9x = 27, और x इज इक्वल टू क्या हो गया, 27/9, ये आ गया 3। तो अब ये ओरिजिनल फॉर्म में है, ये 3 है, और ये क्या है, ये 3 हुआ, तो ये 2 × 3 = 6 हुआ, यानी नंबर 63 होगा। ये हो जाएगा आंसर। हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जो कि टू वेरिएबल्स लेके बनाएंगे। थैंक यू सो मच।